मैं बना रही हूँ कोकोनट और बेसन के लड्डू। बहुत टेस्टी खाने में और बहुत हेल्दी और टेस्टी दोनों होते हैं, तो मैं इसलिए बना रही हूँ बेसन के लड्डू। और लड्डू कैसे बनाती हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसकी बर्फी भी बन सकती हैं और लड्डू भी, दोनों चीज़ें अच्छे से आसान तरीके से सिंपल तरीके से बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें। तो ले लिया मैंने आधा किलो बेसन, इसमें डाल लेती हूँ घी। जैसे आधा किलो बेसन होता है उसमें आधा किलो ही घी डलता है, तो मैं इसमें घी डाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। 2-3 बार मैं इसमें घी डाल लेती हूँ, जैसे नहीं तो गाँठे सी हो जाती हैं इसमें, गाँठे गाँठे सी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको मिक्स किया और उसके बाद मैंने जैसे गैस को सिम ही रखा है, फुल करके हम पकाते हैं तो अच्छे से नहीं पकता, और खाने में बहुत टेस्टी दानेदार लड्डू बनते हैं बेसन के और कोकोनट के। तो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, चेंज होने लगा है और घी छोड़ने लगा है, तो इसमें खुशबू आने लगती है भुनता है तब। तो इसको मैं चलाती रहूँगी साथ साथ, और सिम पर जैसे लड्डू बनाऊंगी तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तेज पर हम पकाते हैं तो फिर वो अच्छे से नहीं पक पाता है और जल जाता है बेसन। तो देख लो घी छोड़ दिया है, इसका कलर चेंज होने लगा है धीरे धीरे करके, खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसकी पहचान ये होती है जैसे भूनता है खुशबू आती है, तो उस टाइम ये फिर घी छोड़ने लगता है। घी इससे बेसन से अलग होने लगता है और चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे घी छोड़ दिया है इसने बेसन ने, और पकने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और इसमें पक के तैयार हो जाएगा आटा, बेसन, सॉरी आटा बोल रही हूँ मैं, बेसन। और बेसन के लड्डू वैसे भी हेल्दी और टेस्टी होते ही हैं, इसमें थोड़ा सा कोकोनट हम मिक्स कर देंगे तो और टेस्टी बन जाएंगे। हाँ, तो पूरी तरीके से इसने घी छोड़ दिया है और अच्छी सी खुशबू आने लगी। उसके बाद मैं डाल देती हूँ जैसे भून के तैयार हो गया था कोकोनट, पिसा पिसाया कोकोनट आता है वो वाला कोकोनट है, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी ज़्यादा है तो उसका चिकनाई नहीं है कोकोनट में, तो मिक्सी के जार में पीसने से भी दिक्कत आती है, अच्छे से नहीं पिसता है। वैसे सर्दियों में तो जैसे कुछ भी बनाती हूँ तो पीस लेती हूँ। जैसे कोकोनट को मैंने भून लिया इसमें, उसके बाद मैंने इसमें दूध की मलाई डाल दी है, जैसे खोआ और उसकी जगह हम दूध की मलाई डाल देते हैं तो भी टेस्टी बनता है, खोए की जरूरत नहीं होती है इसमें। और जैसे ही मैंने इसमें दूध की मलाई डाली है, ताज़ा मलाई थी आज की ही, तो फूलने लगा है, दानेदार हो जाएगा। फिर ये डाल दी है मैंने इसमें बूरा, जैसे अच्छे से मिक्स मैंने उसको कर लिया था, तो जैसे ही मैंने एक ये आटे का लिया था और उसी से मैंने कोकोनट लिया था और उसी से मैंने इसमें बूरा डाल दिया है, डिब्बा है प्लास्टिक का मेरे पास। तो ये डालने के बाद मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया, गर्म में ही बूरा डाल दिया, बिल्कुल भी पानी नहीं बनाया, जैसे बाद में हम गर्म में डालते हैं तो पानी बन जाता है। और ये दानेदार बना है बिल्कुल बेसन के लड्डू जैसे कोकोनट के लड्डू, बिल्कुल दाने दाने से खिले होते हैं अलग अलग, वैसे बना है। मैं बना आपको, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था जैसे पंखा चल रहा हो ऊपर, उसके नीचे चटाई लगा के और उसके ऊपर मैंने रख दिया था, इतना मैं जैसे अपने 5-10 मिनट के लिए ठंडा हो जाए। और मैं जैसे गरम गरम रहता है तभी लड्डू बनते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, जैसे ठंडा हो जाता है तो अच्छे से लड्डू नहीं बनते हैं। जैसे घी और मिक्स कर देते तो गर्मी है जैसे लड्डू चल पड़ते हैं, तो इसमें ज़्यादा घी भी नहीं डाल सकते, सर्दियों में तो जैसे नहीं अच्छे से बन जाते हैं लड्डू, नहीं चलते हैं, और गर्मियों में तो घी अलग होने लगता है लड्डुओं से भी, तो इनका बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बांध के लड्डू आपको दिखाती हूँ, इतने अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, 10 मिनट में जैसे बेसन के और कोकोनट के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और खाने में टेस्टी भी बहुत होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। तो ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाऊँगी मैं, छोटे छोटे नॉर्मल से लड्डू बनाऊँगी। तो सारे लड्डू इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, बिल्कुल भी खिंडा खिंडा सा नहीं बनता है, क्योंकि अच्छा घी डाला है, ऊपर से मैंने मलाई भी डाल दी है, कोकोनट डाला है और ऊपर से मैंने बूरा डाल दिया है। बूरा की जगह आप चीनी जैसे पीस के ले सकते हैं, हम वो चीनी भी डाल सकते हैं और मिश्री का पाउडर बना के भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने बूरा ला रखी थी, बूरा डाल ली है मैंने, जो पीसी पिसाई बूरा आती है वो वाली है, और लड्डू भी अच्छे से बन रहे हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा सा गर्म है तो टाइम लग रहा है जैसे बांधने में, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा।
तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे को जरूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि बेसन और कोकोनट के लड्डू आपको कैसे लगे। लाइक प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और सारे लड्डू बंद के हो गए हैं तैयार, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर दोबारा बोल रही हूँ मैं, और सारे लड्डू बन गए हैं, बहुत अच्छे दानेदार लड्डू बने हैं। मैं तोड़ के इसको दिखाती हूँ आपको, बीच से थोड़ा सा पास कैमरा करके इसको दिखाया मैंने। दानेदार लड्डू बने हैं बहुत अच्छे, और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं ऐसी चीज़ें हम बना के रखते हैं। जैसे मीठा खाने का मन होता, कुछ भी होता है, और जन्माष्टमी भी आ रही है, उसमें भी हम बना सकते हैं। तो वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी तक